हाय गाइस, तो फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ तुम लोग के लिए बेस्ट लैपटॉप अंडर रुपीज 70,000 2022 की बिल्कुल लेटेस्ट तड़कती भड़कती वीडियो। एंड जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बट सबसे पहली चीज कि अगर मैं आज जेब में लेके निकलू 70,000 रुपए, तो 2022 में क्या स्पेक्स मुझे ऑफर कर रही है कंपनी। तो गाइस, प्रोसेसर में यहाँ पे तुम्हें i5 11th gen मिल रहा है और राइजन में तुम्हें 5th gen मिल रहा है। और अगर तुम लोग हाई एंड पे जाते हो तो तुम्हें राइजन 7th 5th gen तक भी मिल जाएगा। एंड ये थोड़ा केस टू केस वेरी करता है। रैम में तुम्हें 8GB की रैम मिलती है, 16GB भी कुछ कंपनी देती है अगर तुम अल्ट्रा बुक ऑप्ट कर रहे हो, बट गेमिंग में ज्यादातर 8GB ही मिल रही है। नेक्स्ट इज NVMe SSD, तो हाँ 512GB ही लेनी है, उससे ज्यादा कोई नहीं देता, उससे कम हम लेते नहीं है। तो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे तुम्हें MX सीरीज भी मिल रही है और RTX 3050 भी मिल रहा है। अब यहाँ पर मेरा काम आता है तुम लोगों को बताना कि कौन सा तुम्हें एक्चुअली लेना है। तो बेसिक तुम्हें समझ में आ गया हो कि क्या क्या चीजें मार्केट में ऑफर हो रही हैं और किस चीजों को तुम्हें एक्चुअली में लेना है। तो गाइज, शुरू करते हैं आज के पहले लैपटॉप के साथ, विच इज HP Pavilion 15। एंड गाइज, ये आता है तुम्हारा i5 11th gen के साथ। 16GB की रैम है, 512GB की SSD, विंडोज 10 होम, MS Office, डिस्प्ले वही जो एक्सपेक्टेड था, इंटेल i9 6th का ग्राफिक्स है एंड प्राइस में 67,000 इसका प्राइस है। बट पॉइंट ये, अब तक मैं यही रेकमेंड करता हुआ था, अच्छा भी था, बट गलती से मेरी नज़र एक ऐसे लैपटॉप पर पड़ी विच इज़ टोटली ग्रेट। मतलब जिस प्राइस पॉइंट पर वो आता है, उस प्राइस पॉइंट पर दूर दूर तक कोई नहीं है। एंड इससे पहले तो मुझे HP भक्त बोलो, मुझे HP ने स्पॉन्सर नहीं करा है, मैं अभी बता देता हूँ, बट अच्छे लैपटॉप है तो मुझे रिकमेंड करना पड़ेगा। तो गाइस, नाम तो इसका भी अभी भी HP Pavilion 14 ही है, बट स्पेक्स आर टोटली डिफरेंट। तो देखो, ये तुम्हारा Ryzen 5 5500U के साथ आता है, साथ ही में तुम्हें 16GB की रैम मिलेगी, 512GB की NVMe SSD, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है विच इज अगेन ग्रेट, NVIDIA का MX 450 यानी कि 2GB का ग्राफिक कार्ड भी मिल रहा है विच इज अगेन अ प्लस पॉइंट। बाकी पोर्ट्स में तुम्हें सारे अच्छे पोर्ट्स मिलेंगे, टाइप सी हो गया, टाइप ए हो गया और वही बाकी से भी सारी चीजें। बैटरी में 43 वॉट आवर की बैटरी है, जो कि थोड़ी सी कम है, बट उसकी जगह तुम्हें यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिल रही है जो कि 50% चार्ज कर देगी सिर्फ 30 मिनट्स में, तो दिस इज अ गुड पॉइंट। और फीचर्स की बात करें तो सारे फीचर्स, बैकलाइट कीबोर्ड है, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.2 है, कोई कमी नहीं है एंड Windows 10 Home मिल रही है एंड 11 आ जाएगी, घबराना मत, MS Office है एंड प्राइस इसका 64,000 है। तो सोचो 67,000 पिछले वाले मॉडल में 4 Core 8 Thread, नो GPU, इसमें तुम्हें 6 Core 12 Thread एंड अ GPU 2GB वाला, isn't it great? तभी मैं बोल रहा हूँ, और अभी भी इसका प्राइस सस्ता है। इसीलिए पुरानी वीडियो देखना बंद करो, लेटेस्ट पर आओ, 2022 में अभी लॉन्च हुआ और बहुत ही स्टेलर डील है। तो चलो, ये तो क्लियर हो गया, GPU और एक अच्छा पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए, तो HP Pavilion मैंने 14 बता दिया। बट लेट सपोज तुम्हें GPU नहीं चाहिए, ठीक है, तुम उन लोगों में से हो कि भाई मैं ग्राफिक कार्ड का क्या करूंगा, मुझे कोई काम नहीं, मुझे केवल ऑफिस जाना है, फिर मुझे GPU चाहिए नहीं, मुझे बैटरी बैकअप ही चाहिए और अच्छा। तो गाइज, यहाँ पे ये वाला लैपटॉप आता है, नाम तो इसका HP 14S है, बट ये तुम्हारा Ryzen 7 5700U के साथ आता है, जिसमें तुम्हें 8 कोर और 16 थ्रेड मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं। 8GB की रैम है, अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक, 512GB की NVMe SSD है, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले, AMD Radeon ग्राफिक्स, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Windows 10 Home, Alexa built-in का सपोर्ट, MS Office मिल जाएगा एंड प्राइस इसका 60,500। कैन यू बिलीव दैट, 60,000 में तुम्हें Ryzen 7 मिल रहा है लेटेस्ट वाला, वो 3700U नहीं, 5700U, जिसमें 8 कोर और 16 थ्रेड्स आते हैं। मतलब जो लोग Acer Aspire लेना चाह रहे हैं ना यार, वो 55-56 का आता है, उसमें थोड़े पैसे डाल के इसको ले लो, बहुत अच्छी डील है। और ये मेरे को अभी दिखा है, इसलिए मैंने रेकमेंड नहीं करा अपनी पुरानी वीडियो में। बट अगर तुम बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000 से आए हो, तो गाइज इस लैपटॉप को ले लो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ होम पर्पस। लिटरली कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के लिए हर तरीके से, घर और ऑफिस के लिए संपूर्ण है। और अगर तुम इसमें गेमिंग भी ऐड करना चाहते हो तो पिछला वाला लैपटॉप ले लो, दोनों भरपूर हैं। तो चलो, अब मैंने तुम्हें घर के लिए भी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लैपटॉप बता दिया है, अब बात करते हैं गेमर्स के लिए। तो गाइस, पहला लैपटॉप इज HP Pavilion 5600H, तुम्हें स्पेक्स बताऊंगी, I am pretty sure। तो गाइज, ये आता है तुम्हारा Ryzen 5 5600H के साथ, 8GB की रैम है, 512GB की NVMe SSD, GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड है, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले, 144Hz का पैनल, Wi-Fi 6, बैकलिट कीबोर्ड, विंडोज 10 होम एंड प्राइस इसका 60,900 रुपये। एंड इफ यू आर अ गेमर, गो फॉर इट, कम्प्लीटली वर्थ इट लैपटॉप है, कोई कमी नहीं है लैपटॉप में। अब ये केवल बताने के लिए कि कौन सा लैपटॉप नहीं लेना है, तो Lenovo IdeaPad Gaming 3 4600H वाला इफ यू आर लुकिंग फॉर, तो मत लेना। मैं बता बता के थक गया हूँ, लोग गलतियां करते हैं, फिर मेरे पास कमेंट्स आते हैं भाई मैंने ले लिया, मत लो। Asus TUF F15 नहीं लेना है भाई, नहीं लेना है, ठीक है, हर वीडियो में डालता हूँ, फिर भी लोग खरीदते हैं और मुझे कमेंट भी पूछते हैं, भाई नहीं लेना ये वाला लैपटॉप भी। सेम है तुम्हारा Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel i5 10th gen वाला, गाइस इसको भी नहीं लेना है,
शुरू में जाओ, मैंने बताया क्या चीज लेनी है, फिर भी लोग पुरानी जनरेशन में जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, मत लो लिटरली। बट चलो, अगर तुम में से लिटरली कोई लेना ही चाहता है लैपटॉप कि भाई मुझे इंटेल ही लेना है, तो गाइज इस वाले लैपटॉप को लो। सो गाइज, दिस इज Lenovo IdeaPad Slim 5, जो कि आता है तुम्हारा i5 11 जेन के साथ। 8 16 GB की रैम है, 512 GB की NVMe SSD है, विंडोज 10 होम, MS ऑफिस, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, एल्यूमिनियम का मेटल टॉप है, बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर है, बैटरी लाइफ 11 घंटे की, विच इज टोटली ऑसम, 57 वॉट आवर की बैटरी लाइफ, 80% इन जस्ट 1 आवर, अगेन अ ग्रेट फीचर। 2x2 वॉट के स्टीरियो स्पीकर है, Wi-Fi 5 है, 6 होना चाहिए था बट ठीक है यार। वही बाकी सब सारे रिपोर्ट जो मुस्तम में मिलते हैं, जो कि अगेन एक बढ़िया बात है, एंड 68,000 का प्राइस है, और ये भी टोटली अच्छा है इफ यू आर लुकिंग फॉर एन इंटेल बेस्ड लैपटॉप। वरना शुरू में मैंने अपने फेवरेट बता दिए हैं, ज्यादा बता के कंफ्यूज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, तो बस वही थे जो थे। बाकी लिस्ट में एक और लैपटॉप है, अगर तुम थोड़ा ज्यादा पोर्टेबिलिटी और बहुत अच्छा बैटरी बैकअप चाहते हो, तो गाइस दिस इज HP Aero, काफी अच्छा लैपटॉप है, मैंने खुद पर्सनली इसका रिव्यू कर रखा है, ऊपर आई बटन में दे दूंगा, चेक कर लेना। तो ये आता है तुम्हारा Ryzen 5 5600U के साथ, 16 GB की रैम है, जिसमें तुम्हें 512 GB की NVMe SSD मिल जाएगी, 13 इंच का डायगोनल पैनल है, जो कि 400 निट्स की ब्राइटनेस प्लस 100% sRGB के साथ आता है, AMD Radeon का ग्राफिक्स है, Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है, Windows 10 Home, MS Office, एंड प्राइस इसका 70,000। तो एक तरीके से दिस इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफिस वालों के लिए और घर वालों के लिए, बस डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है, और वो बनाया भी इसलिए क्योंकि इसको पोर्टेबल बनाया, पोर्टेबल ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ 1 kg का वेट है और बहुत हल्का यार, ये बहुत हल्का, मेरा रिव्यू चेक करना तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब अगला लैपटॉप जिसके बारे में मुझे क्वेश्चन आएंगे, विच इज मी नोटबुक अल्ट्रा। तो गाइस है तो सही, i5 11 जेन है, 16 GB की रैम है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट इफ HP इज गिविंग यू अ बेटर डील और कम प्राइस पे, तो मैं इसको क्यों रेकमेंड करूं, बट अभी भी मन है तो ले सकते हो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप में भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 16 GB वाला वेरियंट ही लेना, 8 GB वाला मत लेना, केवल एक ही क्लॉज है, बाकी तुम इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज मी नोटबुक प्रो के साथ है, उसमें भी 16 GB वाला वेरियंट लेना, 8 GB वाला मत लेना, क्योंकि दैट इज नॉट Recommended by me. अब चलते हैं मेरे टच स्क्रीन वाले भाइयों के लिए। तो गाइज ये है तुम्हारा Dell Inspiron 7415, जो कि आता है तुम्हारा Ryzen 5 5700U के साथ, 6 कोर 12 थ्रेड है, 8 GB की रैम है, 512 GB की NVMe SSD है, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले एज एक्सपेक्टेड, AMD Radeon ग्राफिक्स है, विंडोज 10 होम, MS ऑफिस, वही बाकी से भी सारे पोर्ट्स, एंड इसमें तुम्हें McAfee का एंटीवायरस मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट रीडर है, 1 साल की वारंटी है, एंड उसके साथ साथ तुम्हारा 68,000 का ही आता है। बट ये मेरी पहली चॉइस नहीं, ये मेरी दूसरी चॉइस है, अगर मेरी पहली चॉइस तुम्हें नहीं मिलती है तो पहली चॉइस क्या है, ये बना ला। तो गाइज ये है Lenovo IdeaPad Flex 5, जो कि आता है AMD Ryzen 5 5500U के साथ, जिसमें तुम्हें 8 GB की रैम मिलेगी 3200 MHz के साथ, 512 GB की SSD है, AMD Radeon ग्राफिक्स, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, एंड वही बाकी सबसे जो सब में होते हैं, बैकलेट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, विंडोज 10 होम, MS ऑफिस, एंड प्राइसेस का 60,000। डिफरेंस देख रहे हो तुम, कहां डेल और कहां लेना, वो सेम फीचर्स बट प्राइसेस। इसे ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये अमेज़न पे नहीं मिलता है, ढूंढना भी मत, सिर्फ Lenovo की वेबसाइट पे मिलेगा या फिर Lenovo के ऑफलाइन स्टोर पे मिल सकता है, तो मैं चेक कर लेना अपने ऑफलाइन स्टोर पे जाके, बट हाँ Lenovo की वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, तो वहां पर तुम्हें मिल जाएगा। अब फिर लोगों का क्वेश्चन आता है, भाई Legion 5 का क्या सीन है, तो यार देखो सिंपल है, 4600H वाला तो भूल के भी मत लेना, और ये जो 5600H वाला है इसको तुम ले सकते हो, बट 75,000 इसका प्राइस है। अभी मैं लैपटॉप दिखाऊंगा गेमिंग, ठीक है, तुम्हें पता चलेगा ये कितना लूट रहे हैं, नो मैटर कितनी भी स्पेक्स अच्छी हो, दिस इज नॉट वर्थ द प्राइस। हाँ, लैपटॉप में कोई कमी नहीं है, सिर्फ प्राइस जिस पे आता है इज ओवर प्राइज्ड। तो देखो, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट लैपटॉप इस प्राइस कैटेगरी में, विच इज HP Victus, इसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूं, ऊपर आई बटन में दे दूंगा, चेक कर लेना। तो याद है तुम्हारा Ryzen 5 5600H के साथ, साथ ही में तुम्हें 8 GB की रैम मिलेगी, अपग्रेडेबल है 16 GB तक, 512 GB की SSD है, 16 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, जो कि एक्सपेक्टेड था, NVIDIA का 1650 का ग्राफिक कार्ड है, Wi-Fi 6 के साथ आता है, ब्लूटूथ 5.2 है, विंडोज 10 होम, MS ऑफिस, Alexa बिल्ट इन का सपोर्ट, एंड प्राइस इसका 64,000 है। ओके ओके, प्राइस है, ले सकते हो, बट आई हैव अ बेटर डील फॉर यू, वो ना मिले तो इसको लेना काफी अच्छा है, बट ये वाला ले लो। तो गाइस सेम लैपटॉप है, डिफरेंस केवल इतना है, ये तुम्हारा RX 5700M के साथ आता है, AMD का ग्राफिक कार्ड, 1650, और इसमें ये हल्का सा बेटर है, ठीक है, बट NVIDIA प्रीमियम चार्ज कर रहा है 4,000 रुपए, ठीक है, तो यहां पर इट्स टोटली योर कॉल, दोनों के लिंक में दे दूंगा, तो देख लेना जो तुम्हें सस्ता मिले वो ले लो, परफॉर्मेंस में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, और ये तुम्हारा ऑलमोस्ट 61,000 का आ जाता है। तो गाइस अगला लैपटॉप भी सेम लैपटॉप है, HP Victus, सिर्फ डिफरेंस इतना है, ये तुम्हारा RTX 3050 के साथ आता है, अगेन सेम 4 GB की रैम है ये भी, बट ये थोड़ा रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है, एंड प्राइस इसका 70,000 है, वर्थ इट लैपटॉप, 70,000 में ये भी काफी अच्छा है। और एक और लैपटॉप है जो कि काफी मेरा फेवरेट है, विच इज Dell G15। तो गाइस ये आता है तुम्हारे Ryzen 5 5600H के साथ,
8GB की रैम है, 512GB की SSD है, 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, 120Hz का पैनल, NVIDIA RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड है, विंडोज 10 होम, MS ऑफिस, ऑरेंज बैकलिट कीबोर्ड है, वही बाकी सब सारे रिपोर्ट जो ऑलमोस्ट सब में थे, एंड वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5, एंड प्राइस इसका 70,000 है, और आई शुड से 70,000 होता था क्योंकि हम क्लियरली देख पा रहे हैं ये इसका प्राइस फिलहाल 84,000 चल रहा है। कंपनी ने पता नहीं क्या कर रखा है, मेरे को नहीं पता, बट अगर ये तुम्हें 70 में मिलता है तो इसको ले लेना। 73-74 तक भी अच्छी डील है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, बट उससे ज़्यादा महंगा मत लेना, फिर विक्टस ले लेना या फिर तुम्हें HP Pavilion या फिर IdeaPad Gaming में तुम्हें बता दिए, सारे के सारे अच्छे लैपटॉप है यार ये। कंपैरिजन वाइज यहाँ पे तुम्हारी बस पर्सनल कॉल है कि तुम्हें कौन सी ब्रांड ज़्यादा पसंद है। एज पर टेक यूट्यूबर यार तीनों में कोई भी ऐसा मेजर फ्लॉ नहीं है कि मैं बोल दूँ कि इसको मत लो और इसको ही लो, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है, प्रोज एंड कॉन सब में है, तो होना ही था, एक्सपेक्टेड था ये। तो बाकी एंड करते हैं इसके साथ हमारी आज की वीडियो, और तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लंबा डायलॉग हो गया लास्ट का।